नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां बेरोजगारों के साथ की जा रही वादा खिलाफी और बढ़ रहे अपराधों को लेकर NSUI ने रीवा जिले के TRS कॉलेज चौक में पुतला फूंका। कार्यक्रम में काफी संख्या में NSUI के सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शिवराज मामा बहुरूपिया है, जो लगातार रोजगार और मामा भांजी के नाम पर ठगता रहा है। युवाओं का भविष्य दांव पर है। कहीं बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है तो कहीं नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। आज आवश्यकता है कि युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाए। भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ पुलिस ने अमानवीय ढंग से व्यवहार करते हुए गिरफ्तार किया है। आइए आपको सुनाते हैं NSUI पदाधिकारियों ने क्या कहा है। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना सरकार मुर्दाबाद। अरे तुम साइड तो आ जाओ। अरे भाई और कब फेंकी? और तो ऐसे आ जाओ। वह तो कहीं लाल फाइल के खड़े हो जी। अपना बच्चे तो सुनते ही हैं। आज शिवराज सरकार शिवराज मामा का मुर्दा पुतला दहन किया है हम लोगों ने। NSUI के साथियों ने लगातार युवाओं के साथ छल करने वाले इस बहुरूपिया मामा का, जो लगातार युवाओं को रोजगार के नाम पर और मामा भांजे के नाम पर ब्लैकमेल करके भावनाओं में बहाता रहा है, आज दर दर की नौकरी और दर दर के लिए भटक रहे हैं युवा। अपने भविष्य को दांव में लगाकर कहीं अपराध में फंसे जा रहे हैं, कहीं नशे की चपेट में आ रहे हैं, कहीं आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और ये दमनकारी सरकार युवाओं की सुन नहीं रही है। आज युवाओं को ये सोचना होगा, उनके लिए लड़ना होगा। हमने और NSUI ने NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कल भोपाल में पुतला दहन किया, उनके बोर्ड ऑफिस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस के प्रदर्शन किया। उनको विधिवत उनको प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। पुलिसिया दमनकारी नीति के अपनाते हुए शिवराज सरकार के इशारे में उनके ऊपर हाथापाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ ऐसी जगह उन्हें ऊपर हाथ उठाया गया जो निंदनीय है। हम सरकार की और इस कृत की भर्त्सना करते हैं। आज युवा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक बात बता दे रहे हैं शिवराज मामा, 10 दिनों के अंदर ये युवा एक नए इंकलाब को तैयार करेगा। ये अभिषेक तिवारी रीवा से हुंकार भर रहा है। आज युवाओं की लड़ाई के लिए ये शुरुआत है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है, आगे लंबी लड़ाई होगी। इस चीज़ का इंतजार करें और सरकार के नाक में दम करेंगे, युवाओं के हित के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभिषेक तिवारी, अभी NSUI प्रदेश सचिव।